मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ ट्रेडिशनल अप्पी पनियारम या गुंदपनगुन आलू। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है इडली का बैटर, ये लेफ्ट ओवर इडली बैटर है। तेल है, नमक है, तड़का लगन, चना दाल, उड़द दाल, जीरा सरसों, धनिया पत्ती है, हरी मिर्च, प्याज और एक करिया पत्ती और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। मैंने लेफ्ट ओवर इडली बैटर यूज़ किया है। आप बैटर बनाओगे तो 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल को 5 घंटे भिगो लेना, फिर उसको पीस के रात भर के लिए रख देना। नेक्स्ट डे आपका बैटर बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया इडली बैटर, अब उसमें मैंने मिक्स किया है नमक। नमक आप स्वादानुसार डाल लेना। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी धनिया पत्ती। उसके बाद मैं इसमें खींच रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। खींच के अब मैं डालूंगी बारीक कटा प्याज डाल के फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। आप हरी मिर्च यहाँ पर भी डाल सकते हो, मैंने तड़का लगाते समय डाल दिया। आप चाहो तो हरी मिर्च और अदरक को ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे अराउंड 1 स्पून तेल डाला है। उसके बाद मैंने उसमें डाला चना दाल, उड़द दाल। ये बहुत जल्दी भी बनते हैं और बहुत टेस्टी भी रहते हैं। इसको मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में बता रही हूँ, सिंपल इडली बैटर के साथ। अब मैंने डाला चना दाल, उड़द दाल, उसके बाद मैंने डाला बारीक कटी हरी मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी करिया पत्ती डाल के तड़का का थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसको डालूंगी इडली के बैटर में डाल के मैं इसको मिक्स करके अब मैं बनाऊंगी इसके अप्पे पनियारम। इसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। कोई इसे अप्पे बोलते हैं, कोई पनियारम बोलता है, कोई गुंता पंगुटलू, कोई पंगुटलू। तो नाम कोई भी हो, डिश सेम है, इंग्रेडिएंट भी सेम है। अब मैं पनियारम के साँचे में, अप्पे के साँचे में हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। ये नॉन स्टिक है तो इसमें बहुत ही कम लगेगा। अब मैं डाल रही हूँ पनियारम का बैटर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा कम डालना है, अदरवाइज इसका शेप परफेक्ट नहीं आएगा और टर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगा के इसे मैं 2-3 मिनट तक पकाऊंगी या तब तक जब तक कि हल्का सा ब्राउनिश नहीं हो जाएगा। अब मैंने इसे ढक दिया है। 2 मिनट बाद मैं देख रही हूँ पनियारम या अप्पे एकदम अच्छे से पक गए। अब मैं इनको एक बार और टर्न कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसमें कटी हुई वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने वेजिटेबल ऐड नहीं किया है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको टर्न की हूँ, ये बन गया है। रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या टी टाइम स्नैक्स के लिए भी बढ़िया है। तो आप भी इसे बनाइए, ट्राई करिए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।